मुझको राणा जी माफ करे ना। अरे तर माल के गाल काटू, जल्द से जल्द मुझे दो ट्रक माल चाहिए। नहीं हो पाएगा सर। क्यों नहीं हो पाएगा? दिवाली के दिन मुझे सप्लाई देना है। अब क्या करूं सर, साला मेन समय पर धोखा दे दिया। चलो ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, मेन समय पर धोखा दे दिया। मालिक बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे? मालिक बोल रहे थे कि इस दिवाली में घर नहीं सजवाइएगा। हाँ सजवाएंगे मालिक, आप तो घर सजवा लीजिएगा। हमरो मन करता है कि हम इस दिवाली में घर सजवा ली। तब 2 महीने के एडवांस दीजिए ना। खुशड़ी वाला पैसा पेंट उगता है। अगले ही महीने तुमको एडवांस दिए थे, अभी 2 महीना हुआ नहीं, फिर एडवांस मांगने आ गया। दिमाग खराब कर चला आता है यहाँ सब साला सब। अरे छोटी तुम क्या बात है, आज इतना जल्दी स्कूल से आ गए? हाँ भैया आज शनिवार था। ओ हाँ, छोटे स्कूल में मजा आता है? हाँ भैया बहुत ही मजा आता है। भैया एक बात बताएं? हाँ बताओ। बता दे। हाँ बताओ। भैया मुझे स्कूल में एक लड़की से प्यार हो गया है। छोटे तुम अभी इतना सा हो, जब इतना सा हो जाना तब करना, अभी तुमको ये सब नहीं बुझाएगा। क्यों नहीं बुझाएगा भैया, ओढ़नी से ढांप के चुमा ले लेंगे। छोटे भाई के सामने यही सब बात करना चाहिए? भैया आप ही ना बोलते हैं कि हमको अपना दोस्त समझना, दोस्तों को तो ये सब बात बताया जाता है। अच्छा छोटे ठीक है चलो। अच्छा छोटे ये बताओ कैसी दिखती है? भैया एकदम झक्कास, लाल गुल्ला सब बदन रसगुल्ला। भैया इस दिवाली में नया कपड़ा खरीद दीजिएगा ना, पुराना वाला दिवाली में कपड़ा खरीदे तो फट गया है। हाँ वाला पैसा पेंट उगता है। अगले ही महीने तुमको एडवांस दिए थे, अभी 2 महीना हुआ नहीं, फिर एडवांस मांगने। हाँ छोटे हम तुमको इस सर महंगा वाला कपड़ा खरीदेंगे, काहे से कि तुम्हारे भाई के पास बहुत सारा पैसा है, तुम टेंशन मत लो। ठीक ठीक है भैया। खाना खाकर तुम पढ़ाई करो, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ। ठीक है भैया। अरे रितेश यहाँ क्या कर रहा है, काम पे नहीं गए थे? गए थे लेकिन। लेकिन क्या, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है तो हमको बताओ। भैया मालिक से कुछ एडवांस पैसा दिवाली के लिए मांगे थे, पर मालिक हमको पैसा नहीं दिए। अब बहुत बोले, आज से पहले हमको मालिक ऐसा कभी नहीं बोले थे। भैया हम मालिक से पैसा कभी नहीं मांगते, लेकिन जो मेरा छोटका भाई है ना, वो दिवाली में नया कपड़ा खरीदने का जिद कर रहा है, और मेरे पास 1 रुपया नहीं है जो मैं उसको कपड़ा दे सकूं, इसीलिए मैं पैसा मांगे थे। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है तुम घर जाओ। ठीक है भैया। ठीक है जाओ। बड़ा ढेर दिन के बाद मिले हो यार, चलो चाय पीते हैं। चलो चलो चलते हैं। वो भी क्या दिन था यार, खाओ पियो ऐश करो, नो टेंशन। लेकिन वो सब दिन बहुत याद आता है। दोस्त एक बात बोलना था। हाँ बोलो। अरे यार जो तुम्हारे पास वो काम करता है ना रितेश, उसे पैसा क्यों नहीं दिया? रोड के किनारे जाके रो रहा था। अरे यार उसे ऑलरेडी 2 महीना का एडवांस दे चुके हैं, फिर भी वो हमसे एडवांस मांग रहा था, इसीलिए उसको डांट दिए थोड़ा सा हम।
अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। बेचारा अनाथ है, तुम्हारा अलावा कौन है उसका? आखिरकार तुम्हारा ही ना काम करता है, एडवांस पैसा दे ही देते तो क्या हो जाता? अरे यार उस समय दिमाग मेरा बहुत खराब था, वो दिवाली वाला प्रोजेक्ट नहीं था, वो फेल हो चुका था और उसी समय वो पैसा मांग रहा था और मेरा दिमाग ठीक नहीं था, कुछ ज्यादा ही उसको बोल दिए। ठीक है पैसा दे देंगे हम। ठीक है दे देना, बेचारा बहुत गरीब है। ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है। ठीक है यार आते जाते रहना। ठीक है ठीक है। मालिक बुलाए थे, कुछ काम है का? आओ आओ इधर आओ। अरे नीचे नहीं ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। ये पैसा लो रख लो, ये एडवांस नहीं है, ये दिवाली के लिए दे रहे हैं। मालिक आपको जैसा मालिक कहीं नहीं मिलेगा। मालिक आप बहुत अच्छे हैं मालिक। मालिक अरे भोसड़ी के नीचे दबा, ऊपर हथियार है। हाँ जी मालिक, हाँ जी मालिक।